योगी कैबिनेट की बैठक जारी है। बता दें कि लोकभवन में ये बैठक फिलहाल चल रही है, जहां पर कई मंत्री भी मौजूद हैं। तो बैठक में 15 प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। आबकारी परिवहन विभाग समेत 15 प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। कामगार श्रमिक कल्याण आयोग के गठन के प्रस्ताव पर भी मंजूरी मिल सकती है। तो आपको बता दें कि आयोग के गठन की कवायद तेज होगी। श्रमिकों की कल्याण योजनाओं के साथ ही सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी आयोग देगा। तो आज योगी कैबिनेट की बैठक है और शुरू हो चुकी है ये बैठक, जिसमें आपको बता दें कि कई ऐसे अहम प्रस्ताव जिनको हरी झंडी दिखाई जा सकती है, जिसमें प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के लिए उसके आयोग के गठन को मंजूरी इसमें दी जा सकती है। तो अब भी बैठक जारी है, कई मंत्री मौजूद हैं, लेकिन अगर इस बैठक को देखा जाए तो 15 तकरीबन ऐसे प्रस्ताव जिनको आज मुहर लगने की उम्मीद है। नरेंद्र यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नरेंद्र, कैबिनेट की बैठक जारी है, अभी भी चल रही है, कितना वक्त लगेगा इस बैठक को खत्म होने में और अहम कौन से वो प्रस्ताव हैं जिनको लेकर निगाहें टिकी हैं? नरेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही ऐलान किया था, क्योंकि बड़ी संख्या में कामगार जो उत्तर प्रदेश में आए हैं उनको रोजगार देना एक बड़ी चुनौती है। इसी को लेकर आज एक कैबिनेट में इसकी मुहर लगेगी और ये प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। इसके बाद मुहर लगने के बाद इसको कानूनी जामा पहनाया जाएगा। ये इसको एक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी देगा ये आयोग। करोड़ों जो मजदूर हैं उत्तर प्रदेश में, उनको इससे काफी लाभ मिलेगा और एक गारंटी के तौर पे उनको काम दिया जाएगा और रोजगार दिया जाएगा, जिससे उनको एक सुनिश्चित आमदनी मिलेगी। इसकी तरफ एक बड़ा कदम है। साथ ही आज एक दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव हैं जो कैबिनेट में पास किए जाएंगे, जिसमें आबकारी नीति में भी परिवर्तन करने की बात की जा रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे ठेके हैं और मॉडल साफ है जो अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लगातार वो दबाव बना रहे हैं कि बिक्री कम हो रही है, इसको लेकर भी आबकारी नीति में भी परिवर्तन होगा और साथ ही परिवहन विभाग के भी कुछ प्रस्ताव हैं जो कैबिनेट में रखे जा रहे हैं, इसमें भी सहमति बनेगी। यानी कि करीब 10 से 15 ऐसे प्रस्ताव हैं जो कैबिनेट में आज पेश किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो फैसला है, सबसे बड़ा जो आज कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा, वो है कामगार श्रमिक कल्याण आयोग के गठन का प्रस्ताव। ये एक बड़ा परिवर्तन लाएगा और उनकी जीवन शैली में सुधार करेगा। जो गरीब हैं और जो रोजगार पाना चाहते हैं, मजदूर तबके के लोगों के लिए ये एक बड़ा बदलाव साबित होगा। जी नरेंद्र, आयोग के नाम को लेकर भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि यूपी कामगार और श्रमिक आयोग इसको रखा जा सकता है। बिल्कुल, कैबिनेट में फैसला हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो बातें हो रही थी उसमें यही है, सेवा योजन एवं रोजगार को लेकर ये इसका नाम रखा जाएगा। कामगार श्रमिक कल्याण आयोग के गठन की बात की जा रही है। अब ये प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद जो नाम होगा उसका क्लियर किया जाएगा। 12:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी, उसमें जो प्रस्ताव पास हुए हैं उनका लेखा जोखा मीडिया के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के लिए और उन करोड़ों श्रमिकों के लिए जो ये आयोग का गठन को लेकर जो कवायद की आज ये पूरी हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद आपका नरेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए।